मैं ये कह रहा हूँ यार, इधर आ जाएंगे जरा बच्चे सारे एक बार। ये सारे बच्चे एक बात सुन ले, आपका ये बोर्ड का पेपर हो रहा है, कभी आप इसे नॉर्मल पेपर मान के चल रहे हो। 11:30 बजे आपका पेपर है, 10:30 बजे आपकी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, गेट के ऊपर होनी चाहिए आप। अब ये जो आपने पेपर दिया है अभी, ये अभी का अभी चेक हो गया, इसकी की निकल के आएगी इनके पास में कंप्यूटर में, यही टीचर स्कूल के वाले ही उसको चेक करके, और इसको आधा घंटे में चेक चूक करने में ये 2 घंटे बाद अपलोड हो गए, नंबर पहुंच जाएंगे CBSE। मतलब इसको सीरियस ले लो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। यस सर, समझे नहीं बात को? हाँ बोलो। इसलिए आप 10:30 बजे आ जाओ, और एक वेल डिसिप्लिन होने चाहिए बच्चे। देखो आज सबसे ज्यादा शिकायत जो है आपके डिसिप्लिन पे आई है वहाँ पे, कि ऐसे बच्चे हमने नहीं देखे हैं। इससे क्या होता है, टीचर का बिल्कुल मूड खराब हो जाता है, और जो है फिर उसका जो असर तुम्हारे परफॉर्मेंस पे आएगा। दूसरा, आप लोग जो है आज बहुत सारे बच्चे, अरे इधर आओ, सामने आओ, इधर पीछे क्या खड़े कर रहे हो? बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा लेट आए हैं आज, बहुत ज्यादा लेट। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हालत में मैक्सिमम बच्चे 10 बजे यहाँ पर पहुँच जाने चाहिए, ठीक है ना? और अपने फोन वगैरह लाने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी, ये दूसरी अलग से एक सरदर्दी आपके लिए खड़ी कर रहा है, समझ रहे हैं? फोन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लाने की, हो सकता है तो बैग भी मत लाओ, अपना ये पैड पेपर पैड लेके आ जाओ, और अपना एडमिट कार्ड लेके आ जाओ, और टाइम पे आओ सबसे पहले। और दूसरा, बदतमीजी नहीं करनी है अंदर जाके, अपना आई कार्ड नहीं भूलेंगे, ध्यान रखें बात को। अरे धीरज, एक फोटो कॉपी करा के अपनी जो ड्रेस की जेब में डाल लें, जो आपने लेमिनेट कराया हो उसको तो करा लो, लेकिन एक इसकी फोटो कॉपी करा के अपनी जेब के अंदर भी डाल लो, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? अब केवल संस्कृत वाले बच्चे रुक जाएंगे, और बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे चले जाएंगे।